सत श्रीकाल दोस्तों, मैं थोड़ा सब दा अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। दोस्तों असी अज की इस वीडियो के कच्चे अध्यापकों का जो मसला है उसके संबंध में लेटेस्ट अपडेट शेयर कर जा रहे हैं, क्योंकि थानू सारे नू पता है कि जो पंजाब सरकार वालों 36,000 मुलाजमान पक्के करन जा रही है, तो इसकी अपडेट शेयर कर जा रहे हैं। अगर तुम इस चैनल पर नवे हो तक चैनल में सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहला चैनल में सबसक्राइब करो, तो इसे बैल आइकन प्रेस करो ताकि हर इनफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन थोड़े तक सब तो पहला पहुँच सके। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, तो इस जो के संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट है जो तुम थंबनेल देख रहे हो कि कच्चे अध्यापकों का जो मसला है अध विचाले विच फस गया है, और जो भगवंत मान जी वालों दसया गया कि इसका जो प्रोसैस है इनू कंप्लीट करते अजे 4 और 5 महीने का समा लगेगा, तो इसकी जो पूरी डिटेल है वो असी देखते हैं। दोस्तों ये तुसी स्क्रीन पर देख सकते हो जो कच्चे अध्यापकों का जो मसला है वह अध विचाले इसकी पूरी डिटेल असी देखते हैं, जिस दे विच दस्या गया है कि पंजाब सरकार वालों वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस, उचेरी सिक्ख्या अते खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेयर की अगवाई हेठ बनी 3 मैंबरी सब कमेटी ने कच्चे मुलाजमान नूं 15 अगस्त तक पक्के करन दा ऐलान किया है। ये जिहड़ी सब कमेटी है इन 15 अगस्त नूं पक्के करन दा ऐलान किया है, पर इस दे नाल ही सूबे विच वख-वख सरकारी स्कूलों विच पढ़ा रहे कच्चे अध्यापकों दीआं वख-वख कैटागरियां विच पक्के होण दे लई पक्के होण नूं लै के स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो इसकी जो स्थिति है पक्के होने की वो बिल्कुल ही क्लीयर नहीं हो पा रही कि अध्यापक किड़े मुलाजम इस दे विच पक्के होने हैं, और जिस दे विच सब कमेटी ने दसिया है कि यह साफ किया है कि सिर्फ 10 साल नीति विच आने वाले कच्चे अध्यापकों नूं ही पक्के करन दी तजवीज़ रखी गई है, जिन्हां दी 10 साल की सर्विस हो चुकी है उन्हां अध्यापकों नूं ही पक्के किया जाएगा। उस तो बाद कह रहा है कि पता लग्या है कि इन कैटागरी दे विच जो कच्चे अध्यापक की कैटागरी में आ रहे हैं सिक्ख्या प्रोवाइडर, AGS वलंटीयर, AE वलंटीयर, STR वलंटीयर, IV वलंटीयर, जो स्कूलों के वख-वख क्लासा पढ़ा रहे हैं ते पढ़ाउण दे सालां दा तजर्बा भी उन्हां दा वख-वख है, ता पता ये रिजल्ट निकल के आया है कि उन्हां सारे कच्चे अध्यापक उच्च योग्यता प्राप्त हैं, ते दोवें तरह के अध्यापक योग्यता प्रीख्या जो PSTET पास हैं, जो सरकार की नीति के पक्ष तो देखा जाए तो इन अध्यापकों में सिर्फ सिक्ख्या प्रोवाइडर 10 साल का तजर्बा पूरा करते हैं, इन जिहड़े सिर्फ सिक्ख्या प्रोवाइडर ही अध्यापक हैं जिन्हों का 10 साल का तजर्बा पूरा करते हैं, पर जबकि सरकार ये कह रही है कि पूरी तरह भर्ती प्रक्रिया विच आई कच्चे अध्यापकों ही पक्का किया जाना है, पर सरकार इन अध्यापकों की जो भर्ती है आउटसोर्स राही मन रही है, तो इस दे विच बहुत ही बड़ी जो अड़िक्के वाली गल है कि इन जिन्नियां भी कैटागरियां सी गल कीती है उस दे विच सिर्फ सिक्ख्या प्रोवाइडर का ही 10 साल का तजर्बा पूरा हो रहा है, पर यह भी जो सिक्ख्या प्रोवाइडर की भर्ती है यह भी आउटसोर्स राही मनी जा सकती है, तो इन ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਕੇਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ कह रही है, तो हेठले कैडर का कहना है कि वह पिछले तकरीबन 8 साल तो 6,000 रुपये प्रति महीना घट तनखावां नाल दिन कट्टी कर रहे हैं, तो आम कैडर का कहना है कि यूनियन दे आगू तनखाह वधाउण लई जोर पाउण, तो ये बहुत ही गंभीर मसला है, क्योंकि जो 36,000 कच्चे मुलाजम हैं जिन्हां नूं पक्के करना है उन्हां विच बहुत ही घट मुलाजम है
जो कंडीशन रख रही है सरकार उसके विच आ रहे हैं, तो इसलिए ये जो मसला है कच्चे अध्यापकों का, तो ये मसला अजे अध विचकार दे विच ही फसया है। तो इस दे नाल ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि कच्चे मुलाजमान नूं पक्के करन दा काम विच सानू 4-5 महीने का समा लग सकता है, क्योंकि असी वध तो वध मुलाजमान नूं इसका फायदा देवांगे अते देरी कारण उम्र संबंधी छोटां दित्तियां जाणगियां। उन्होंने कहा है कि पहलियां सरकारां 2016 ते 2021 दौरान जो बिल पास किए सन उन्होंने राजपाल की प्रवानगी नहीं मिली मिल सकी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी त्रुटियां हैं, तो सरकार उन्होंने दोवां बिलों रद्द करके एक नवा बिल पास करवाना चाहती है ता जो मुलाजमान खज्जल खुआरी तो बचाया जा सके। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। धन्यवाद। जय हिंद।